नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन पर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया 20 नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ। अब लोगों को 14 प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। लॉर्ड महावीर कॉलेज का दीक्षांत समारोह आयोजित, ठाकुर कौल सिंह ने बांटी छात्राओं को डिग्रियां। मेरी लाडली अभियान के तहत किया गया बच्ची को सम्मानित, लिंग अनुपात की कमी को दूर करना है अभियान का मुख्य उद्देश्य। और मंडी में वोमेन हेल्थ केयर सेंटर का किया गया शुभारंभ, आयुर्वेदिक तरीके से किया जाएगा महिलाओं का इलाज। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को वेब आधारित 20 नागरिक केंद्र सेवाओं का शुभारंभ किया। इन ई जिला सेवाओं में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों का पंजीकरण व नवीनकरण, अनुबंध आधार पर श्रमिकों को रखने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, अनुबंध श्रमिकों के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र और राजस्व न्यायालय मामलों के प्रबंधन शामिल हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को वेब आधारित 20 नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा 14 प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। इनमें कानूनी उत्तराधिकारी, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय, कृषक, डोगरा वर्ग, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र और हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साथ आय व अन्य पिछड़ा वर्ग और निर्धन शामिल हैं। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आईसीटी को व्यापक रूप से सुदृढ़ कर प्रदेश के लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने वाला हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस और एक क्लिक में लोगों को उनकी जरूरत के दस्तावेज मुहैया करवाने से बाबूराज का अंत होगा। चुटकीले अंदाज में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अभी तक पटवारी से अपनी जमीन का कागज हासिल करने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब एक क्लिक से लोग खुद अपनी जमीन के दस्तावेज हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हर लोगों को मिलने वाली अच्छी सुविधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि इस क्षेत्र में प्रदेश को कई तरह के ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कई वर्ष पूर्वों से लोगों को जमाबंदी प्रदान की जा रही है और अब तक वे तमीमा में ऑनलाइन भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कई वर्षों पूर्व से लोगों को जमाबंदी प्रदान की जा रही है और अब वे ततिमा भी ऑनलाइन ले सकेंगे। फिलहाल 4 जिलों में इस सुविधा को आरंभ किया जा चुका है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शेष सभी जिलों में इस वित्त वर्ष के अंत तक यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश को गौरवान्वित बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी NIC सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरे के दौरान लॉर्ड महावीरा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की और दीक्षांत समारोह के दौरान BSc नर्सिंग की छात्राओं को डिग्रियां भी बांटी। वहीं छात्राओं के सुनहरे भविष्य के लिए कौल सिंह ठाकुर ने कामना भी की। लॉर्ड महावीरा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शिरकत कर छात्राओं को डिग्रियां भी बांटी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश के नंबर एक पर रहा है और प्रदेश में 550 नए डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है और 300 नई भर्तियों के भी आदेश दे दिए गए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हिमाचल यूनिवर्सिटी में आपके लॉर्ड महावीरा नर्सिंग कॉलेज को मिली है, उसके लिए मैं यहाँ सभी फैकल्टी मेंबर्स को और विशेष तौर पे जिन विद्यार्थियों ने यहाँ डिग्री हासिल की है, गोल्ड मेडल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिए हैं, उनको मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो काफी बेहतर है। उनको बेहतर बनाने में जहां डॉक्टरों का, मेडिकल ऑफिसर्स का योगदान रहता है, वहीं पैरामेडिकल स्टाफ और विशेष तौर पे नर्सिंग स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव मेडिकल फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश और हेल्थ और बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट इज द बेस्ट इन द कंट्री। फॉर दैट आई कॉन्ग्रेचुलेट अवर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड नर्सिंग स्टाफ फॉर दिस अचीवमेंट। इस मौके पर पूर्व यूपीए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में नए मेडिकल कॉलेज यूपीए सरकार की ही देन है और 3 नए कॉलेजों की स्वीकृति ले रखी है। There is always a scope for improvement. हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और हमारी कोशिश है और ज्यादा सुधार जो है इसमें करने की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले 3 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की है। लगभग 135 स्वास्थ्य संस्थाएं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल और स्वास्थ्य उपकेंद्र हमने हिमाचल प्रदेश में खोले हैं और लगभग 550 डॉक्टरों को इस पीरियड में हमने नौकरियां भी दी है। लेकिन फिर भी अभी हमें कम से कम 500 डॉक्टरों की और जरूरत है। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरे के दौरान नालागढ़ पहुंचते ही लॉर्ड महावीरा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने शिरकत की और दीक्षांत समारोह के दौरान बीएससी नर्सिंग की छात्राओं को डिग्रियां भी बांटी। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। मंदिर के सभागार में हिमालयन कल्याण संघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संघ के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया और कई वर्षों से लंबित पड़ी संघ के भवन निर्माण की मांग को लेकर गहन चर्चा की गई। सबसे पहली मांग जो है हमारी विकलांग भवन को लेकर है, जो कई वर्षों से चली आ रही है और इस मांग को लेकर जो है डीसी महोदय, एडीएम, एडीसी और मुख्यमंत्री तक को जो है हमने कई बार इस मांग को उठाया, लेकिन आश्वासन के सिवाय जो है हमें आज तक कुछ नहीं मिला। और जैसे कि वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई थी, तो हमें जो है जब हमारा आंदोलन चला था बीएमएस के माध्यम से उनके बैनर तले, तो हमें एडीएम पंकज राय ने जो है 6 महीने का समय दिया था कि आपको जो है विकलांग भवन के लिए भूमि दी जाएगी और तब तक जो है आपकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन आज तक ना ही वो वैकल्पिक व्यवस्था हुई और ना ही हमें भूमि दी जा रही है। और हमें जो है प्रशासन द्वारा जो है बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है कि हम समाज का हिस्सा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से, और जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रभुनाथ जी आए हुए हैं, ये भी अपने स्तर पर हमारी इस मांग को उठाएं कि हमारी जो ये मांग चली आ रही है इसको जो है जल्द से जल्द पूरा करें। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवमी कक्षा के लिए आवेदन किया है। प्रशासनिक कारणों से चयन परीक्षा दिनांक 24 अप्रैल 2016 रविवार को नहीं होगी। जैसे ही नई तिथि घोषित होगी आपको सूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे विद्यालय की वेबसाइट www.pandoh.org.in व दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग,
AIPMT, NDA एंड PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान. PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस. स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस. बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016. कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी. एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी. प्लेवे विद क्रैश. सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी. जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा चलाए गए मेरी लाडली अभियान के तहत वार्ड नंबर 4 के एक घर में हाल ही में पैदा हुई नवजात बच्ची को सम्मानित किया गया. आपको बता दें कि मेरी लाडली अभियान पूरे जिला में लिंग अनुपात की कमी को पूरा करने में पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रहा है. इस मुहिम को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रशासनिक कमेटी पंचायत स्तर पर कार्य करने में जुट गई है. मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 में बेटी पैदा होने पर एक परिवार ने जमकर खुशी का जश्न मनाया. वहीं मंडी प्रशासन द्वारा नन्ही बच्ची को मेरी लाडली अभियान के तहत सम्मानित किया गया. बच्ची की मां ने बताया कि उनके घर लड़की पैदा हुई है, जो कि उनके लिए एक गौरवशाली बात है. ये बहुत खुश है. हमारा तो पहला बच्चा है, तो पहले बच्चे का तो सब कुछ शौक होता है, तो बेटी हुई तो बहुत अच्छा हुआ. हमारे घर में एक बेटा था, बेटी भी हो गई. दादा दादी भी बहुत खुश, दोनों की वो पूरी हो गई. सबकी वो थी, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है. इसके दादा दादी भी बहुत खुश हैं, नाना नानी भी खुश हैं, सभी खुश हैं, पापा भी बहुत खुश हैं, हम तो बहुत ही खुश हैं. और जिस तरह प्रशासन ने कैंपेन चला रखी है बेटियों के आने पर, आप उपायुक्त भी आपके घर आए, तो कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है. ये तो बहुत अच्छी पहल है कि बेटियों के लिए बहुत अच्छी पहल की है सरकार ने. इससे बढ़ावा मिलेगा और भी लड़की के पढ़ने के लिए, इनकी बढ़ावा मिलेगा, इनको बहुत आगे बढ़ने के लिए काफी. वहीं बच्चे की दादी माँ ने बताया कि घर पर लड़कियों का होना जरूरी है, क्योंकि जब धार्मिक अनुष्ठानों में कन्या का पूजन किया जाता है, तब लोगों को लड़की होने की अहमियत पता लगती है. हमारे घर में कन्या पैदा हुई तो हमने कन्या और लड़के में कोई भेदभाव नहीं समझा. भी हमारे घर में पहली लड़की हुई है ना, और लड़का भी हुआ था. लड़का और लड़की की कमी हमारे घर में दूर हो गई. हमें मतलब अब लोगों के घर में जाके लड़की को बुलाना पड़ेगा पूजा पाठ करने के लिए. इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष व उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि जिस प्रकार लोग लड़के होने की खुशियां मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्हें लड़कियां होने की खुशियां भी मनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन लोगों की सोच बदलना जरूरी है जो लड़कियों को लड़कों से कम मानते हैं. उन्होंने अवगत करवाया कि जिला मंडी के जिला स्तर पर मेरी लाडली अभियान बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस कारण अब लोगों की सोच में बदलाव आना शुरू हो गया है और अब लोग बेटी के होने पर घर घर में खुशियां मना रहे हैं. और किसी भी परिवार में अगर बेटी पैदा होती है तो उसको एक बधाई संदेश भेजना शुरू करें. तो इसकी शुरुआत हमने प्रशासन की तरफ से करी और एक प्रशासन से एक ग्रीटिंग कार्ड बना के हम ऐसे हर घर भेजते हैं जहाँ पे की एक बेटी पैदा हुई है. अब इसको समाज का एक लोगों की जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होती तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता है. अतः समाज का और लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन लेने के लिए हमने जो महिला मंडल्स है अलग अलग पूरे जिले में उनको इसकी ट्रेनिंग दी. और अब ये महिला मंडल खुद अपने गांव में अपने परिवार में कहीं पे भी अगर बेटी पैदा होती है तो उस प्रशासन का ग्रीटिंग कार्ड लेके जाते हैं, उनको बधाई देते हैं, नाच गाने के साथ उसको एक उत्सव के रूप में बेटी की पैदाइश को मनाया जाता है, जिससे कि उसमें कोई नकारात्मकता ना आए तो एक सकारात्मक एनर्जी एक पॉजिटिव भाव पूरे समाज में तैयार होता है. और इसमें एक IEC का माध्यम यह है कि उस परिवार की IEC होती है, जो महिलाएं वहां गई है उत्सव मनाने उनकी अपनी IEC होती है, अपनी अवेयरनेस बढ़ती है और आसपास का समाज जो उसको देखता है उनकी भी एक अवेयरनेस बढ़ती है. इसके साथ साथ हमने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया हुआ है जो मेरी लाडली नाम का एक फेसबुक ग्रुप है और यह ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. इसमें 21,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है इस ग्रुप के. वहीं संदीप कदम ने बताया कि महिला मंडलों द्वारा लड़की के पैदा होने पर विशेष गानों की सीडी तैयार की गई है जिसे दिल्ली भेजा गया है.
उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 50 से अधिक गाने तैयार किए गए हैं। क्रिएट हुए जैसे कि हम सबको विदित है कि पहले सिर्फ बेटा होने पे गाने होते थे, अब इन्हीं महिला मंडल ने बेटियां होने पे भी कई सारे गाने तैयार किए और ऐसे 50 से अधिक गाने तैयार किए गए हैं। इसमें से कुछ 27 गानों की पहली सीडी हमने पब्लिश की है जो दिल्ली में कराई गई और इसी तरीके से अलग अलग सैकड़ों की मात्रा में जैसे झूले हो, गुड़िया हो या प्रोटीन पाउडर्स हो, ऐसे कई सारे गिफ्ट्स भी हमने इन महिलाओं में और परिवारों में बांटे हैं। आपको बता दें कि लिंगानुपात के घटते दर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की इस पहल पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा 11 जुलाई 2015 से जिला मंडी के सिंदौल क्षेत्र से मेरे लाडली कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं प्रशासन द्वारा पूरे जिला में लिंग अनुपात की कमी को पूरा करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है और यह कमेटी अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रही है। इसी मुहिम को लोगों तक पहुँचाने के लिए अब कमेटी पंचायत स्तर पर कार्य करने में जुट गई है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए मंडी में वोमेन हेल्थ केयर सेंटर खुल चुका है। इस हेल्थ सेंटर का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने किया। आपको बता दें कि यह हेल्थ सेंटर ऑपोजिट सर्किट हाउस मंडी सिनियारी रोड पर खोला गया है, जहां पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाएगा। वोमेन हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ नगर परिषद मंडी अध्यक्षा नीलम शर्मा ने किया। उन्होंने सभी महिलाओं को जानकारी दी है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना जरूरी है, इसके लिए किसी भी प्रकार की बीमारी का तुरंत इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वोमेन हेल्थ सेंटर खुलने से महिलाओं को बहुत फायदा होगा और महिलाओं को जरूर इस हेल्थ सेंटर में आना चाहिए। ये जो इन्होंने वोमेन हेल्थ केयर सेंटर खोला है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम आजकल होती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, वो दूर करने में मदद करेगा। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इनका ये जो है BLCC का बहुत आगे तक जाए और जितनी भी हमारी लेडीज हैं, कोई हेडेक होता है, कोई बैक पेन होती है, जो भी है, उसका इलाज बड़ी अच्छी तरह से यहाँ होगा। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि जो भी है यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट अच्छी ढंग से करवा सकते हैं। स्लिम ट्रीटमेंट का भी यहाँ प्रावधान है। तो यही शुभकामनाओं के साथ कि इनका बहुत अच्छा चले और हम भी सहयोग करते रहेंगे, हम भी आते जाते रहेंगे। इस मौके पर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया भी मौजूद रही। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए यह हेल्थ सेंटर लाभकारी सिद्ध होगा। जो आज यहां पर BLCC का वोमेन हेल्थ सेंटर का उद्घाटन जो किया वो हमारी अध्यक्षा मैडम ने किया और बहुत ही अच्छा इनका एक्सपोजर लग रहा है। और हमें लगता है ऐसा कि जो मैडम यहाँ पे सिखाने वाली हैं पुष्पा रायना, उन्होंने बहुत ही अच्छे सही तरीके से सब चीज़ें बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मंडी की लोगों को, मंडी की महिलाओं को, खासकर BLCC के आने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं मैडम को भी शुभकामना देती हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस से लोगों को जो है सरोबार करें और महिलाएं इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं ताकि जो है उनका स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और उम्मीद करते हैं कि इनका जो है BLCC लॉन्ग टाइम तक और बहुत अच्छे से चलता रहे, हमारी शुभकामनाओं के साथ। वहीं हेल्थ केयर सेंटर की मैनेजर पुष्प रैना ने कहा कि महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए इस सेंटर को खोला गया है, जहां महिलाओं में होने वाली माइग्रेन और हेडेक जैसी 8 बीमारियों का आयुर्वेद तेल से इलाज किया जाएगा। मेरा मेन मोटो जो है वो यहां की लेडीजों को जागरूक करना है। मैं यहां पे स्टार्ट करने वाली हूँ जो स्पा, तो ये मेन मोटो ये है कि लोगों को जो ये बताऊँ कि ब्यूटी के साथ साथ जो है वो अपने हेल्थ के लिए भी मतलब जागरूक हो उन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे पास 7-8 थेरेपी हैं, तो शिरोधारा हो गया, अभ्यंगा हो गया, फुल बॉडी मसाज है, फिर किसी को अगर माइग्रेन का दिक्कत है, बैकएक की प्रॉब्लम है, एंकल पेन है, जॉइंट्स पेन का है, तो आयुर्वेदिक तेलों के साथ जो है मैं उसमें ट्रीटमेंट करूँगी। और मेरे पास 4 लोगों का स्टाफ हुआ यहाँ पे और बाकी स्पेशल चैम्बर बना है स्टीम के लिए। नेचुरल वे में हम लोग स्टीम देंगे, मसाज के बाद स्टीम देते हैं, तो वो ये है कि पूरी बॉडी को पर्सन की प्योरीफाई करेगा। तो ब्यूटी के भी प्रोडक्ट रखे हैं मैंने, कुछ बायोटेक के, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों पे, ज़्यादा फोकस जो आयुर्वेदिक चीज़ों पे होगा, ताकि मेरा यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदा की तरफ जागरूक कर सकूं। आपको बता दें कि अब हेल्थ सेंटर ऑपोजिट सर्किट हाउस मंडी सिनियारी रोड पर खोला गया है, जहाँ पूर्णतया आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। बल में बीते दिन एक जमीनी विवाद को लेकर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त थाना प्रभारी बल के कुलदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई है, जिसके चलते घायल महिला को अस्पताल रत्ती में भर्ती करवाया गया है। आज मॉर्निंग में सिविल सीएससी रत्ती से थाना में इंफॉर्मेशन आई कि लेडी को मारपीट के केस में इलाज हेतु लाया गया है, तो कार्रवाई करने के लिए पुलिस भेजे, जो इसी तलाब पर हमने जो है मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र को हॉस्पिटल भेजा, जहां पर जो पीड़िता थी ममता, उसने लिखित में एक शिकायत पत्र जो है वो मुख्य आरक्षी को दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आज सवेरे 8:45 के करीब जब वो अपने आंगन में थी तो नागेश्वर और उसका फादर दोनों आए और उसके घर के पास लेडी के खेत में, जहाँ पर कि उन्होंने कंक्रीट की वाल दे रखी थी और पिलर भी लगाए थे, उनको तोड़ने लगे, उखाड़ने लगे। तो ये सब होता देख, जब लेडी वहाँ मौके पर गई तो वो दोनों जो है पहले तो लेडी के साथ बहसबाजी करने लगे, फिर जो इस संदर्भ में जो है लेडी का मेडिकल करवाया गया है और मेडिकल के बाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन दो बंदों पर इस लेडी ने एलिगेशन लगाया वो भी हमारे पास थाना में आए थे, उन्होंने भी शिकायत दी है कि ये लेडी और इसका जो हस्बैंड है, इन दोनों ने जो है वहाँ उनकी ज़मीन पर जो ज़बरदस्ती जो है वो जो कंक्रीट की वाल और जो पिलर हैं वो लगाए हैं, जो उस पक्ष की शिकायत पर भी जो है थाना में क्रॉस मुकदमा दिया गया है, तफ्तीश जारी है। चैलचौक में बीते दिन हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। चैलचौक में धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए हनुमान कुटिया से लेकर चैलचौक बाजार तक शोभा यात्रा भी निकाली। चैलचौक में हनुमान जयंती समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शिव शक्ति सत्संग समिति की ओर से अनीता शर्मा और हर्षा शर्मा ने हनुमान जयंती की लोगों को बधाई देते हुए कहा कि शिव शक्ति सत्संग समिति की ओर से एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें किसी भी एक बेसहारा बच्चे के ऑपरेशन के लिए नारायण सेवा संस्थान के लिए 5100 रुपए की राशि भेजी जाती रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों का सहयोग बना रहा तो इस साल इस राशि को अधिक बढ़ाया जा सकता है। हम एक लक्ष्य लेके चले हुए हैं, इसमें एक बच्चे का ऑपरेशन हम हर साल जो है नारायण सेवा संस्थान के लिए राशि भेजते हैं। इस बार थोड़ा हम हो सकता है ज़्यादा भी भेजें और लोगों का सहयोग रहा तो हर साल की भांति इसको ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। और ये आयोजन जो है गाँव वासियों और महावीर संन्यास आश्रम हमारी शिव शक्ति समिति की तरफ से हर साल होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। जयंती पर जो शिव शक्ति सत्संग समिति की तरफ से हनुमान जी का जन्मदिन मनाने का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में सब व्यक्ति उतारने की कोशिश करेंगे। जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई। के चैनल के लिए चैलचौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला के जाने के इस बुलेटिन पर लगातार जारी है।